بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. ربي يسر ولا تؤسر وتمم بالخير. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. امين يا رب العالمين. باذن الله تعالى آج سورة القدر हम देखेंगे, इसमें आने वाले अस्मा अफ़आल और अहरूफ और इल्म सर्फ और नहव का भी इंशाअल्लाह मालूम कर. अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम. बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम. इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र वमा وكما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. جو रेड कलर में हैं वो सारे के सारे इस्म हैं, जो ग्रीन हैं वो फ़ैल हैं, और जो ब्लू कलर हैं वो आपके हर्फ हैं. इन्ना ये सबसे पहले आ रहा है इन्ना, जो यहाँ पे नून जो है ये तीन नून है जिनको मर्ज करके दो कर दिया. पहले तो इन्ना मुशब्बा बिल फ़ैल था जो सिर्फ हर्फ होता है, हर्फ ताकीद और नासिबा कहलाता है, और ये जुमला इस्मिया पर दाखिल होता है. और जुमला इस्मिया में जो मुब्तदा होता है उसको फिर अपने इस्म बना लेता है और ख़बर को अपनी ख़बर बना लेता है, और फिर जो मुब्तदा होता है वैसे नॉर्मली वो मरफू होता है, लेकिन इन्ना दाखिल होने के बाद में वो मंसूब हो जाता है. तो यहाँ पे जो दूसरा ना है ज़मीर वो नहनू था, उसको वो ना में चेंज होके वो मुस्तअब का मंसूब हो गया और वो इस्मु इन्ना है. और ये इस तरह भी लिखा जाता है कुरान में, और इन्ना ना भी होता है. इन्ना का मतलब होता है यानी बेशक हमने, तो अब इसकी खबर चाहिए इन्ना की, और खबर आगे आ रही है अंजलना जुमला फ़ैलिया. तो अंजलना ये फ़ैल है फ़ैल मादी, और इसमें जो रूट वर्ड है ये नून जालाम है, नजला अंजिलु, और इसके माने होते हैं उतरना. और जब ये इफ़ाल के पैटर्न पे जाता है, अफ़ाल आयु पिलो इफ़ाल पर, तो उसका मतलब होता है उतारना किसी को. तो अंजलना फ़ैल मादी मबनी अलसकूनी लितिसाली ही फ़ाइलूना नून. तो नून जो है इसका फ़ाइल हो गया, फ़ैल और फ़ाइल जुमला फ़ैलिया, और हु ये ज़मीर अटैच लगा हुआ है, और इस तरह किसी फ़ैल के इस तरह का जमील जो ज़मीर अटैच हो जो नसब और जर वाला है, तो ये महलन मंसूब हो के ये मफ़ूल भी ही है अंजलना फ़ैल का. पी हरफ़े जर और लैलती ये इस मजरूर है और बग़ैर अल से तनवीन भी नहीं है, तो ये मुदाब बन रहा है, और अलकद्री ये मुदाफिल है. लैलतुल का माना रात है,
और अलकदरी यानि मुकद्दर, तकदीर जो है लैलतुल मुदाफ हुआ और कद्र मुदाफ इलैह, ये फी हर्फ जर के लिए आपका मजरूर हो जाएंगे, जार मजरूर ये मुतालिक हो जाएंगे अनजलना फ़ैल के। और अनजलना फ़ैल अपने फ़ाइल और मफ़ूल भी और मुतालिक से मिल के जुमला फ़ैलिया हुआ और जुमला फ़ैलिया महलन मरफू के खबरु इन्ना हो गया। और यानि यकीनन हमने इस कुरान को शबे कदर में नाजिल फरमाया, यानि ये अल्लाह ताला शबे कदर की रात को उतार चुका था पूरा का पूरा ये आसमानी दुनिया पर, और फिर मौके के लिहाज से ये नबी अकरीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर 23 साल में ये पूरा हो गया। और सूरह बकरा में अल्लाह ताला फरमाता है कि शहरु रमदान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान, रमज़ान के महीने में ये कुरान उतारा गया, और यहाँ पे फरमा दिया कि वो कब उतारा, लैलतुल कद्र। तो इससे साबित हुआ कि वो जो लैलतुल कद्र है वो रमज़ान की एक रात है, और वो अल्लाह के रसूल की बहुत सारी हदीसें हैं जिनमें पता चलता है कि जो आखिरी 10 रातों हैं रात हैं उनमें से कोई एक रात हो सकती है। और अब आगे दूसरी आयत है, वमा अदराका मा लैलतुल कद्र। तो अल्लाह ताला यहाँ क्या फरमा रहा है कि और तुम्हें क्या मालूम कि शबे कदर क्या है। वाव ये हर्फ इस्तेनाफ भी कह सकते हैं और ये हर्फ अत्फ भी कह सकते हैं। अत्फ अगर बनाएंगे तो पिछला जुमला पे मातूफ हो जाएगा, और नहीं तो फिर हर्फ ये इस्तेनाफ नया जुमला बना सकते हैं, तो नया जुमला होगा तो फिर कोई और अब नहीं, और फिर अगर मातू बनाएंगे तो उसका एराब पिछले की तरह होगा। और फिर माँ ये इसमें इस्तेफहाम है, और इसमें इस्तेफहाम जो होते हैं वो मबनी होते हैं, इसलिए ये मबनी होके महलन मरफू हुआ और ये मुब्तदा बन गया। तो मुब्तदा बन गया इसका मतलब जुमला इस्मिया बन रहा है, और जुमला इस्मिया के खबर चाहिए और खबर आगे आ रही है। माँ का मतलब होता है क्या, खबर आगे आ रही है अदरा, अदरा का माँ लैलतुल कद्र, ये पूरी की पूरी खबर हो जाएगी। कैसे होगी, अदरा ये फ़ैल है, दाल रा और या इसमें रूट वर्ड हैं, दरा यदरी का माना होता है जानना, और अदरा युद्री का माना होता है किसी को बताना आगाह करना। अब इसको इसके लिए दो मफूल चाहिए कि किसी को बताना और क्या चीज़ बताना। तो अदरा का जो है ये ज़मीर मुत्तसिल अटैच लगा हुआ है, तो ये आपका महलन मंसूब होके ये मफूल भी ही है अदरा फ़ैल का, कि उसने बताया आपको या उसने आगाह किया आपको। ये का यहाँ पे ज़मीर सबसे पहले तो अल्लाह के रसूल से यहाँ पे है, और फिर जितने भी जो भी पढ़ने वाला है अल्लाह के रसूल के बाद में जो भी पढ़ने वाला है कुरान उससे अल्लाह ताला मुखातिब है। और आगे आ रहा है मा लैलतुल कद्र, ये मा जो है ये भी इसमें इस्तेफहाम है, तो यहाँ फिर ये मुब्तदा बन रहा है, और लैलतुल कद्री मुदाफ और मुदाफिली हुआ, और ये मुदाफ और मुदाफिली होके ये खबर बन जाता है माँ मुब्तदा की। तो माँ मुब्तदा अपनी खबर से मिलके जुमला इस्मिया हुआ और इंशाइया हुआ ही, और ये जुमला इस्मिया होके ये काय मकाम है अदरा फ़ैल का दूसरा मफूल भी ही।
तो इसको सद्दा मसद्दा भी बोलते हैं और कायम मकाम भी बोलते हैं, मफूल भी। तो मफूल भी दो हो गए, एक का हो गया और एक फिर ये जुमला इस्मिया पूरा जो बन के ये सद्दा मसद्दा मफूल भी हो गया। तो यानी कि आपको क्या मालूम, आपको क्या खबर है कि ये लैलतुल कद्री क्या है? तो इस तरह का सवाल पूछ के अल्लाह ताला ही इसका जवाब दे रहा है। आगे आगे जवाब है, लैलतुल कद्री खैरुम मिन अल्फ शहर। लैलतु ये फिर आपका मरफू हालत में है यहाँ पे इस्म, और फिर बगैर तनवीन से है और अल भी नहीं है, इसका माना ये मुदाफ बन रहा है फिर, और अल कद्री मुदाफिल। तो मुदाफ और मुदाफिले मिलके ये मुरक्कब इजाफी हो जाता है और ये फिर मुब्तदा बन जाएगा। मुब्तदा हो गया, इसका मतलब जुमला इस्मिया हो रहा है और खबर चाहिए, खबर आगे आ रही है खैरुन, ये खैरुन ये खबर है। ठीक है, तो मुब्तदा जो है जुमला इस्मिया कंप्लीट हो गया, खैरुन ये आपका इस्म तफदील का सीगा है, सुपरलेटिव डिग्री का है, खैरुन यानी बेहतरीन, सबसे बेहतर। और फिर आगे आ रहा है मिन अल्फ शहर, मिन हर्फ जर और उसके बाद में इस्म मजरूर अल्फ, अल्फ ये गिनती है अदद में है, और उसके बाद में यहाँ पे लग रहा है कि ये मुदाफिले आ रहा है इसका शहरे, ये मादूद है। ठीक है, मादूद आदद और मादूद की एक अपनी उसका अपना हिसाब है, और 3 से 10 तक का जो मजरूर मुदाफिले यानी मादूद मुदाफ मजरूर जो होता है ना वो जमा का सीगा होता है, और 100 और 1000 का ये भी मजरूर होता है उसके बाद में मुदाफिले जैसा, तो ये लेकिन सिंगुलर होता है, जमा नहीं होता। तो यहाँ पे शहरिन है, और शहरिन यानी महीना, अल्फ यानी हजार, हजार महीनों से बेहतर है। मीन नरपे जर अपने मजरूर से मिलके ये फिर क्या बन जाएगा, ये मुतालिक हो जाएगा खैरुन। तो यानी शबे कदर हजार महीनों से बेहतर है, यानी एक रात की इबादत हजार महीनों की इबादत से बेहतर है। तो ये जो है अल्लाह रब्बुल इज्जत का एहसान, एहसान अजीम है इस उम्मत पर, जो मुख्तसर उम्र में भी ज़्यादा से ज़्यादा सवाब हासिल करने की सहूलत अल्लाह ताला ने दी है। तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूहु फीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्ली अम्र। तनज़्ज़लु ये फेल है यहाँ पे, और फेल कौन सा है यहाँ पे, फेल मुदारे है ये, और फेल मुदारे उन मरफू उन व अलामत रफ ये दमत ज़ाहिरा। और ये कौन सा फेल है, ये असल में है ततनज़्ज़लु, ये तनज़्ज़ला, ये तनज़्ज़लु, तनज़्ज़ुलन का मस्दर होता है, यानी नाजिल होना, उतरना। तो ये मुअन्नस का सीगा है यहाँ पे, लेकिन एक ता जो दूसरी ता है वो महजूफ होके यहाँ पे सिंगल ता लगा दी गई है, कुरान की उसलूब के मुताबिक ततनज़्ज़लु को तनज़्ज़लु कर दिया। और फिर इसका जो आपका फाइल आ रहा है आगे अल मलाइकतु, ये मुअन्नस माना जाता है इसलिए ये
मुअन्नस का सीगा आया गया। अलमलाइकतु वर वाव हर्फ अत्फ और रूहो, अर्रूहो अर्रूहो को फिर अलग लिया गया, जो यहाँ पे यानी कि रूहुल अमीन है जिब्रील अलैहिस्सलाम, तो यानी उतरते हैं मलाइका फरिश्ते और रूहुल अमीन। फीहा, फी हर्फ़े जर और हा ज़मीर मुत्तसिल और महलन मजरूर, जार और मजरूर, और ये फिर मुतालिक हो जाएंगे तनज़्ज़ुलु फ़ेल के। और हा किस की तरफ लौट के जा रही है, ये हा लैलतुल की तरफ यानी उस रात, ये हा ज़मीर मुअन्नस किया ना, तो उस रात में उतरते हैं मलाइका फरिश्ते और रूहुल अमीन। बी इज़्नी रब्बिहिम, बी हर्फ जर और इज़्नी मजरूर है और साथ साथ में ये बगैर तनवीन से है तो ये मुदाफ बन गया, और आगे रब्बी मुदाफ इलैह है और फिर ये रब्बी भी मुदाफ बन रहा है। हुम ज़मीर मुत्तसिल महलन मजरूर का, ये हुम था और पढ़ने में इससे पीछे क्योंकि कसरा है इसलिए हिम लगा दिया गया, तो ये फिर पेचीदा आपका इजाफी हो गया, मुरक्कब इजाफी, जिसमें हुम लास्ट में मुदाफिले है, रब्बी जो है मुदाफ भी है और मुदाफिले भी है, और इज़नी जो है ये मजरूर है बी हर्फ जर के लिए और मुदाफ भी है। इस तरह मुदाफ और मुदाफिले मिलके बी हर्फ जर के लिए सारे के सारे मजरूर हो जाएंगे और जार मजरूर ये भी मुतालिक हो जाएंगे तनज़्ज़ुलु फ़ेल के। बी इज़्नी हुक्म के साथ, रब्बिहिम अपने अरब के हुक्म से, मिन फिर हर्फ जर है और कुल्ली ये इस्म मजरूर हो गया और साथ साथ में ये भी मुदाफ हो रहा है, और अम्रिन मुदाफ इले, तो ये मुदाफ और मुदाफ इले हमेशा मजरूर होता है, तो अम्रिन मजरूर है नकिरा है, तो अब जब नकिरा है तो उसका मुदाफ भी नकिरा माना जाता है। कुल्ली यानी सब के सब, हर और अम्रिन मामले, बात कोई भी काम, अम्र मिन कुल्ली अम्र हर काम के साथ, तो ये भी मिन अफेजर और मजरूर से मिलके ये जार मजरूर हुआ और ये भी मुतालिक हो गया ततनज़्ज़ुलु फ़ेल के। इस तरह ततनज़्ज़ुलु फ़ेल अपने फ़ाइल और तीन मुतालिकों से मिलके ये जुमला फ़ेलिया खबरिया, यानि इस रात में रूहुल अमीन और फरिश्ते हर काम के इंतज़ाम के लिए अपने परवरदिगार के हुक्म से उतरते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब शब कदर होती है तो जिब्रील अमीन फरिश्तों की बड़ी जमात के साथ ज़मीन पर उतरते हैं और जितने अल्लाह के बंदे मर्द हों या औरत नमाज या अल्लाह के ज़िक्र में मशगूल हों उन सब के लिए रहमत की दुआ करते हैं। और फिर आखिरी आयत है, पांचवी आयत, सलामुन हिया हत्ता मतलाइल फज्र, सलामुन जिसमें ये इस्म है नकिरा है और शुरू में आ रहा है, तो ये खबर हो सकती है मुकद्दम, तो सलामुन खबर मुकद्दम है और हिया मुक्तदा मुअख्खर हो गया। और देखिए जब भी मुब्तदा मुअख्खर किया जाता है और नकीरा खबर को पहले लिया जाता है तो वो उसमें क्या हो जाती है, तख़सीस पैदा हो जाती है,
ये असल में सलाम और नहिया, यहाँ पे जो है खबर मुकद्दम कसर और हसर को ताकीद के लिए दी गई है। अल्लाह ताला यानी इस रात में सलामती ही सलामती मुकद्दर फरमाई, यानी सरापा सलामती, ये जोर तख़सीस हो जाती है इसमें। और फिर हत्ता, ये हर्फ जर है यहाँ पे, और इसके बाद में इसमें मजरूर है, मतलाई मतलाई या तौलाम आयन इसके जो रूट वर्ड हैं। और ये असल में यहाँ पे इस्म ज़मान है, फिर टाइम बता रहा है, क्योंकि ये इस्म ज़मान बनता है जो मफ़अल उनके और मफ़इल उनके पैटर्न पर। तो यहाँ पे ये जैसे मस्जिद होता है मफ़इल उनके पैटर्न पे, और मतलाउन ये भी मफ़अल उनके पैटर्न पे, ठीक है। तो ये इस्म ज़मान। और अल-फज्री ये मुदाफिले हो जाएगा फज्र के टाइम, तो यहाँ टाइम बता रहा है, और मत ये जो मतलाई मुदाफ और अल-फज्री मुदाफिले, मुदाफ और मुदाफिले मिलके ये हत्ता हर्फ जर के लिए मजरूर हो जाते हैं, ठीक। और ये जार और मजरूर, ये फिर जो खबर है मुकद्दम सलामन उसके मुतालिक, तो इसका माना है कि ये रात सलामती की होती है और फज्र तुलू तक रहती है, यानी सलामती ही सलामती है। मोमिन इस रात को शैतान के सर से महफूज रहता है और फरिश्ते अहले ईमान को सलाम अर्ज करते हैं। तो यहाँ तक ये जुमला फिर खबरिया इस्मिया खबरिया बन गया। अब हम देख लेते हैं इसका जो तर्जुमा है। इन्ना अनज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र, यकीनन हमने इसे शबे क़द्र में नाजिल फरमाया। वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र, तो तू क्या समझा कि शबे क़द्र क्या है। लैलतुल क़द्री खैरुम मिन अल्फ शहर, शबे क़द्र 1000 महीनों से बेहतर है। تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر, इसमें हर काम के सर अंजाम देने को अपने रब के हुक्म से फरिश्ते और रूहुल अमीन यानी जिब्रील अलैहिस्सलाम उतरते हैं। सलामुन हिया हत्ता मतलाए फज्र, ये रात सरासर सलामती की होती है और फज्र के तुलू होने तक। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें इससे यानी सबक सीखने की तौफीक अता फरमाए। इस सूरह मुबारका में अल्लाह ताला ने एक बहुत बड़ी बात की निशानदेही की है, और वह है कुरान मजीद की अजमत और फजीलत। तो देखिए, कुरान मजीद के नाजिल होने से जुड़ी हुई 5 चीज़ों और उनका रुतबा। सबसे पहले तो जिस रात कुरान मजीद नाजिल हुई वो रात तमाम रातों से अफजल रात है, और अल्लाह ताला ने फरमाया कि वो रात 1000 महीनों से कहीं ज़्यादा बेहतर है, यानी आम रातों की इबादत से उस एक रात में ही 1000 महीनों से भी ज़्यादा इबादत का सवाब है। अल्लाह आलम वो कितना ज़्यादा है। नंबर 2, फिर जिस महीने में नाजिल हुई वो महीना तमाम महीनों से अफजल महीना है, और वो है रमज़ान का महीना। बहुत ही बाबरकत वाला महीना है जिसमें पूरे महीने जो है रोजे फर्ज हैं। और सूरह बकरा में इरशाद फरमाया,
شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. نمبر تین، جس ہستی پر نازل ہوا وہ ہے نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو تمام انسانوں سے افضل ہیں اور تمام نبیوں کے امام یعنی لیڈر ہیں. نمبر چار، اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن سب سے افضل فرشتے جبریل امین کو دے کر بھیجا. اور نمبر پانچ ہے، جس امت پر بھیجا گیا وہ تمام امتوں سے افضل امت ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے سورہ آل عمران میں، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنکر وتؤمنون باللہ. تو یہ پانچ پوائنٹ ہیں، ان باتوں سے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ جو بھی قرآن مجید سے جڑا ہے اللہ تعالیٰ نے اس کا رتبہ اور اہمیت کتنی بلند کی ہے. تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اس قرآن مجید سے جڑ جائیں، اسے پڑھنے والے بنیں، اسے سمجھنے والے بنیں اور اس کے احکام پر عمل کرنے والے بن جائیں اور یہ پیغام دوسروں تک پہنچائیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمارے لیے اس قرآن کو صحیح سیکھنے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کی بنا پر اللہ تعالیٰ ہمارے تمام گناہ معاف فرمائے اور قیامت کے دن ہمارا سفارشی بنائے. اور دعا کرتے رہیں، ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، آمین یا رب العالمین. سبحان اللہ وبحمده، سبحانك اللهم وبحمدك، ونشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.